गुड मॉर्निंग सबको। डीएफसी सेल एग्जाम प्रिपरेशन पार्ट 7 में आपका स्वागत है। तो आज जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड का हम देखने वाले पार्ट 7, ठीक है। तो जो भी अब तक डिस्कशन हुआ है, आई होप आपने रिवीजन किया होगा उसका। और वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आज का जो मॉर्निंग कोट है क्या है, इट्स सो क्लोसेस बट क्विटिंग वॉन्ट स्पीड इट अप। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, हम प्लान करते हैं और जैसे हम मतलब चलना शुरू करते हैं तो मतलब बहुत सारे मुश्किल आते हैं, ठीक है। कभी कभी प्लान पर डे का प्लान जो है वो फेल होता है, लेकिन उधर ही आपका मतलब गेम शुरू होता है कि वेदर यू क्विट और नॉट, आप छोड़ देते हो या फिर से कंटिन्यू करते हो, आप फिर से ट्राई करते हो, कोशिश करते हो कि जो प्लान है उस पर स्टिक रह सके, ठीक है। तो यही एक मतलब डिफरेंस होता है एक टॉपर में और एक नॉर्मल स्टूडेंट में जिसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, चलते रहना है, चलते रहना है, ठीक है। तो इसके साथ हम चालू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आ रहा है अभी परसेंटेज, पूरा आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ओके, 60-70% पूरा परसेंटेज पे डिपेंड है, ओके। ये जो है हम सभी चैप्टर में जो आगे हम ये जैसे कि प्रॉफिट लॉस हुआ, SICI हुआ, बहुत सारे चैप्टर्स में हम यूज़ करने वाले हैं, आपको आप देखेंगे, ठीक है। तो इस पे जो है आपका हाथ बैठना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अभी परसेंटेज जो है, ठीक है, परसेंटेज का जो अपने को यूज़ है क्यों है, ओके, क्यों ज़रूरी है परसेंटेज। तो सपोज एक स्कूल है, स्कूल में टोटल बच्चे हैं सपोज 6 लाख, ओके। एनुअली जो स्कूल का रिजल्ट है, अगर मैं बोलूँ आपको कि 2 लाख, ओके, 2,75,000 स्टूडेंट जो है पास हुए, ओके। और दूसरा स्कूल है, दूसरा स्कूल है जिधर 8 लाख स्टूडेंट है, जिधर 8 लाख स्टूडेंट है, और इधर जो बच्चे हैं वो पास हुए 3,25,000, ठीक है, ये पास हुए। तो अभी दोनों का कंपेयर करने के लिए आपको थोड़ा मुश्किल होने वाला है, राइट, क्योंकि उससे वो समझ नहीं रहा है, क्योंकि इधर क्या है 6 लाख है और इधर क्या है बच्चे पासिंग क्या है 2,75,000, इधर बच्चे टोटल 8 लाख है, उसमें से पास कितने हुए हैं 3,25,000, ठीक है। तो इसको ही सिंप्लीफाई करने के लिए, हर एक डेटा को सिंप्लीफाई करने में हम यूज़ करते हैं परसेंटेज, प्रतिशत, ओके। हिंदी में क्या है, प्रतिशत। तो जो हिंदी वाले उनके लिए लिख लो प्रतिशत। तो अभी सपोज मैं बोलूँ ये जो स्कूल है इसका जो पासिंग रिजल्ट है, ओके, 2,75,000 की जगह मैं लिखूँ अगर 45%, और इसका मैं लिखूँ 32%, तो अभी आप आराम से कंपेयर कर सकते हो कि यस, ये स्कूल का रिजल्ट जो है बेटर है, ठीक है। तो कंपैरिजन जब भी होता है परसेंटेज में हम यूज़ करते हैं, जब भी डेटा बहुत बड़ा होता है, जैसे कि इस केस में था, ओके, तो परसेंटेज से बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है और अपने को ईजिली पता चलता है और हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका यूज़ परसेंटेज का इतना है, ठीक है। अभी परसेंटेज जो है वो आपको पता है कि 100 से हम करते हैं, ओके, तो जो भी फाइनल वैल्यू अपना रहता है और टोटल वैल्यू रहता है वो हमेशा आपका 100% रहता है। जैसे कि इधर टोटल स्टूडेंट मेरे थे 6 लाख, ठीक है, तो ये मेरे 100% में मानता हूँ एंड इसके बेसिस पे अपना कैलकुलेशन होने वाला है। इधर अपना 8 लाख था तो ये 100% मेरे 8 लाख होने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा जो टोटल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो टोटल जो रहने वाला है वो हम 100% मानेंगे, ठीक है, 100% मानेंगे, ओके। अभी सपोज कोई भी एक नंबर लेते हैं जैसे कि 50%, ठीक है, तो ये जो 50% है इसको अगर मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है तो जो इसका कन्वर्जन होता है, ये परसेंटेज का सिंबल जो कैसे होता है, देखिए 50/100, 50/100, ओके। मतलब क्या है कि टोटल 100 है उसमें से 50 पार्ट, ओके, 50वां पार्ट किसमें से, 100 में से, इसका ये मीनिंग हुआ, ठीक है। तो मतलब 50% अगर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 1/2 होता है, ओके, तो यही थोड़े रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो 50% मतलब 1/2 होता है, ओके। अब ये 1/2 है, ये नंबर है मेरा, ठीक है, तो नंबर से मुझे परसेंटेज में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इधर मैंने क्या किया, डिवाइड किया, इधर मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो मेरा हो गया 50%, देखिए, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो अभी क्विकली देखते हैं, तो अगर मेरा 1% है तो 1/1, 1/100, ठीक है, तो ये आपका हुआ 1/100, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आराम से। अगर मैं बोलूँ 5% तो आप बोल सकते हो 5/100, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको 1/2 मतलब कितना, तो जस्ट आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आपका होगा 50%, ये आपका होगा 50%, ठीक है। अभी थोड़े रिजल्ट है, हम ये याद रखने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आपका 1/2 है, ये तो हमने देख लिया, ये मेरा 50% होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है अपने को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज में नंबर टू परसेंटेज जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज टू नंबर आने के लिए डिवाइड बाय ये करो, ठीक है, इजी है। अभी 1/3 है, तो 1/3 का आपको होता है 33.33%, ठीक है। 1/4 है, तो 1/4 into 100 देखो कितना परसेंट हुआ, ये कितना हुआ 25%,
वन बाय फाइव है, तो वन बाय फाइव कितना हुआ 20%, ठीक है, फाइव टू ज़ार 10 और ज़ीरो 20%। तो अगर 20% में आपको दो तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, वन बाय फाइव। ओके, क्विकली आना चाहिए, क्योंकि कैसे आया वन बाय फाइव, 20/100, देखो, ठीक है, इस तरीके से। बाद में अगर मैं वन बाय सिक्स बोलूँ तो वन बाय सिक्स होता है परसेंटेज के फॉर्म में 16.66। ओके, वन बाय सेवन आपका हुआ 14.2, वन बाय एट आपका हुआ 12.5। ये ऑब्वियसली याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसे, जैसे कि 8 1 1। ओके, तो ये इस तरीके से करना पड़ेगा अगर आपको याद है, क्योंकि ये जो है फिक्स रिजल्ट है। ओके, आपको जो एग्जाम्पल्स है इसमें मैक्सिमम टाइम आपको ये होता है, तो डायरेक्टली अगर 12.5 दिखता है मुझे तो मैं क्या करता हूँ, मुझे समझ आता है कि ये 1/8 है, ठीक है, ये 1/8 है। ओके, 1/9 जो है, देखो 1/9, तो इसका 11.11% होता है। ओके, 1/10 का सबको पता है क्या, 10%, और 1/11 है उसका 9.19 आई गेस, ठीक है, 9.19, ये थोड़ा वेरीफाई कर दो। ओके, तो ये जो रिजल्ट है आपको याद रखने हैं फर्स्ट थिंग, तो ऐसे ही आप अपने नोट्स बनाओ। सेकेंड, अभी देखिए क्या होता है इधर, सपोज मैं लिखता हूँ 1/8, ठीक है, तो 1/8 का रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज में कितना होता है 12.5%, ये हमने देखा। अभी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, तो ये 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर तो ये बना मेरा 1/4। ओके, और 1/4 कितना होता है मेरा 25%, ठीक है, 25। तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नंबर को तो मुझे परसेंटेज को भी करना पड़ेगा, और 12.5 का डबल कितना होता है 25, ठीक है, तो मतलब 1/4 का मुझे देखे 25% मिल गया। ओके, जो कि एक्चुअल वैल्यू है 1/4 का, परसेंटेज में कितना है 25%, ठीक है। तो इस तरीके से अब सपोज मैं करता हूँ इधर 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, तो ये मेरा होता है 3/8, कुछ हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको, 3/8 रहेगा, ठीक है, और इधर भी मुझे 3 से गलती करना पड़ेगा, तो ये मेरा कितना हो देखिए 0.5, ठीक है, ये 0.5 है, तो 0.5 इंटू 3 1.5, ओके, और 12 इंटू 3 36, तो मेरा कितना हो ये 37.5। इस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है जब भी डेसिमल हो, ठीक है, तो 37.5%, मतलब जब भी एग्जाम्पल में मुझे 37.5 दिखे, ओके, तब मुझे समझ आएगा कि यस ये तो 3/8 है। ओके, क्योंकि 1/8 मेरा 12.5 होता है। ओके, ये डबल हुआ तो 25, ये ट्रिपल हुआ तो 37.5, ठीक है, 37.5। तो इस तरीके से आपको यह पता चल गया अभी कि जो हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि अभी मैंने देखा आपको, सपोज 1/5 हम पकड़ते हैं, ठीक है, ये 20%, और इधर मैं करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा हो गया 2/5, और ये मेरा 2/5 कितना हो गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा 40% हुआ, ठीक है, ये मेरा हुआ 40%। अगर आप देखोगे तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, देखें 40%, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिक था परसेंटेज का, ऐसे ही कन्वर्जेंस हम करेंगे और ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आराम से इसका जो इजी मेथड क्या है कि हम बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ करने वाले, इसलिए आराम से आपका ये अच्छे से होता है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज आराम से होता है। ओके, तो इधर तक हम पहुँचे हैं अभी, तो अभी एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज को। तो इस तरीके से आपको बेसिक एग्जांपल तो डीएफसी सेल में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये जस्ट अपने प्रैक्टिस के लिए है, हाथ बैठने के लिए। तो देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं कि 20% 25% का 300 कितना होता है, ठीक है, और मैं बोलूँ 300 का 25% और 20% कितना होता है, ठीक है। तो सिंपल ऑफ मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर मैं इधर बोलूँ 20% इंटू 25%, जो मुझे क्वेश्चन दिया है वही मैं लिख रहा हूँ, इस तरीके से मुझे दिया है, ठीक है, इस तरीके से मुझे दिया है। तो 20% अभी आपने जस्ट देखा क्या होता है 1/5, ठीक है, तो डायरेक्टली मैं रिप्रिंट कर सकता हूँ, और आपको अगर चाहिए तो 20/100 भी आप लिख सकते हो, तो ये मेरा इस तरीके से हुआ, ठीक है, लेकिन ये स्टेप बच गया अपना। 25% कितना होता है, 25/100 मतलब 1/4, ठीक है, और यह मेरा होगा 300, तो ये 5 4 20, तो ये आ गया 20, और ये मेरा हो गया 50, तो आंसर मेरा क्या है, डी, आंसर मेरा डी है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन 2, और इसको आप खुद से ट्राई करके देखो एक बार, क्या दिया है, इफ़ एक्स परसेंट ऑफ 25/2 इज 150, ठीक है, एक कोई तो परसेंटेज आपने को दिया नहीं है, तो एक्स मान ले उसको, और 25/2 का हम निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो 150 आ रहा है वैल्यू उसका। ओके, तो मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। तो अभी देखिए, अगर ये मुझे ऐसे देते हैं कि 25/2% ऑफ एक्स इज़ 1/50, ठीक है,
और ये स्टेटमेंट दिया है तो दोनों एक ही है, क्यों? क्योंकि ऑफ मतलब क्या होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए एक्स परसेंट इंटू 25/2, अभी ये स्टेटमेंट को मैंने ऐसे लिखा और ये स्टेटमेंट को मैंने क्या लिखा, 25/2 परसेंटेज इंटू एक्स, ओके सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर एक्स परसेंटेज था, मतलब एक्स बाय 100 था, इधर 25/2 है, मतलब डिवीजन में आपका 100 ही आने वाला है, ठीक है। तो एक्स बाय 100 भी बोल सकता हूँ मैं, तो मतलब सिमिलर है, ओके। इस तरीके से हो चाहे स्टेटमेंट और इस तरीके से हो, परसेंटेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जो स्टेटमेंट का फ्रेमिंग है, ओके। उस पर बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में, खासकर किस तरीके से क्या पूछा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। एक अलग वे से उसको अंडरस्टैंड करते हैं और प्रॉब्लम क्या होता है, ऑप्शन में जो वो अलग वे से अंडरस्टैंड करते हैं वो भी ऑप्शन रहता है, ओके। तो ये मतलब जो एग्जामिनर है तो वो अच्छे से केयर करता है कि आपकी गलती हो इसमें, ठीक है। तो अटेंशन इधर चाहिए जब भी आप परसेंटेज का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे, ओके। तो इधर तक हम आए अभी, तो ये मुझे दिया है, ठीक है, एक्स परसेंट ऑफ 25/2 क्या दिया है मुझे, 150। तो ये मुझे दिख रहा है अभी कि 25/6, ठीक है, 25/6 मुझे दिख रहा है ये, और 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो गया, ठीक है। तो एक्स परसेंट का वैल्यू है ये, आ गया मेरा 12, बट एक्स परसेंट मुझे क्या है पता है, एक्स बाय 100, और ये मेरा 12 है, ठीक है। तो मेरा एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 12 × 100, ठीक है, 12 10 उधर हो जाएगा ना ऐसे, तो ये हुआ मेरा 1200। तो आंसर मेरा है बी, आंसर मेरा है बी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, ठीक है, यदि ए का 20% बी इंटू 50% है, देन वॉट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। अभी देखिए स्टेटमेंट देखिए कैसा कन्फ्यूजिंग है, देन वॉट परसेंट ऑफ ए इज बी, ओके। मीनिंग क्या है, बी ए का कितना परसेंट है, मीनिंग क्या है, ए का जो कितना प्रतिशत बी है, ठीक है। तो मतलब जो है अपना ए हम टोटल मान रहे हैं अभी, क्योंकि हम मैं क्या बोल रहा हूँ, ए का कितना प्रतिशत बी है, मतलब ए बी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ ए से, ठीक है। और जब भी हम किसी को कंपेयर करते हैं वो जो नंबर रहता है वो अपना नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, फर्स्ट इसका कॉल करना है, तो 20% मुझे पता है क्या है, 1/5, ए इज इक्वल टू 50% क्या है, 1/2b, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू मुझे मिल रहा है, इधर 5 उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो 2a इज इक्वल टू 5b, और मुझे ए और बी का जो वैल्यू है वो क्या मिला, 5 और 2 इधर आएगा, ठीक है। तो मतलब ए इज इक्वल टू 5 है और बी इज इक्वल टू 2 है। अभी मुझे निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, बी जो है ए का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो बी जो है ए का कितना परसेंटेज है, इस तरीके से जिससे भी कंपेयर करेंगे वो नीचे, क्योंकि ए अपना टोटल है, ओके, ए अपना टोटल है। तो टोटल कितना है मेरा, 5 है, और बी कितना है, 2, तो 2/5 इंटू 100, तो कितना हो देखिए, 40%, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 40% आंसर। तो इस तरीके से होता है। अभी अगर मुझे पूछते, अभी देखो इसको ही मैं थोड़ा फ्रेम करता हूँ कि व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, अगर ऐसा पूछते तो मैं क्या करता, उल्टा, मतलब 5/2 इंटू 100, ठीक है। तो कितना परसेंट था ए बी का, तो ये था अपना 250%, ओके, 250% था ए बी का, लेकिन अपने को पूछा है बी ए का, तो वैल्यू कितना चेंज होता है। अभी ये 250 भी ऑप्शन में रहता तो आप, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इधर गलती करते हैं, ओके, ये मतलब रहता ही है। तो इसलिए इधर आपको अलर्ट रहना है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 केजी इट्स 70 ग्राम, ओके। तो 70 ग्राम जो है वो 3.5 केजी का कितना परसेंट है, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं, 3.5 से, मतलब 3.5 मेरा टोटल है, ठीक है। तो 3.5 जो है मेरा टोटल है केजी, ओके। अभी इधर यूनिट्स का खेल है, इधर ग्राम दिया है, इधर किलोग्राम दिया है, तो मैं इधर लिखता हूँ और इसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम्स में, और मुझे पता है 1 ग्राम मतलब 100 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम मतलब 100 ग्राम होता है, ठीक है। तो जस्ट इसको मैंने क्या कर दिया, 1 ग्राम मतलब 1000, 35/10 हुआ, और 1 किलोग्राम मतलब 1000 आपका ग्राम हुआ, तो ये मेरा ऐसे हो गया, ठीक है, मतलब 3500 हो गया। तो और एक जीरो इधर से गया, और ये आपका 1/5, तो 1/50% में कन्वर्ट करना है इंटू 100, तो कितना हुआ, 2%, ठीक है। तो ऐसे हमें कंपेयर करना है, तो प्रॉपरली समझना है हमेशा। तो ये था क्वेश्चन 4।
ओके अभी ये क्वेश्चन देखो कैसे है। 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000, ठीक है। तो 1% ऑफ 1%, तो ये तो मुझे 1/100 लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली मैं अभी ये लिखता हूँ ऐसे, चलेगा कि 1/100 इंटू 1/100, चार जीरो आ गए। 25% मुझे पता है क्या है, 1/4। ओके कितने का निकालना है, 1000। तो ये तीन जीरो इधर से गया, तीन जीरो इधर से गया, नीचे क्या बचा है, 1/10 एंड 1/40 बचा है, ठीक है। अभी देखिए ये 1/40 है, अभी बहुत सारे लोगों को इधर प्रॉब्लम होगा थोड़ा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल क्या करना है अपने को, मुझे पता है कि 100/4 मतलब 25 होता है, ठीक है। तो मैं इधर क्या करूँगा, ये एक जीरो भी है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे और ऊपर भी। ओके तो जब भी मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, ओके। और ये 25 टाइम्स होता है, 25 × 4 = 100, ठीक है। तो मतलब मेरा क्या बचा, 25/1000, और यही मेरा था 0.025, ठीक है। तीन जीरो ना, 1, 2, 3, 0 डेसिमल, तो आंसर मेरा 0.025। ठीक है इस तरीके से करना है। अभी इधर ऑप्शन कंफ्यूजिंग थोड़ा लग रहा होगा किसी को, तो वो अच्छे से अलर्ट होके टिक करो, ठीक है। टिक होने करने में बहुत गलती होती है स्टूडेंट्स की, तो ये आपको निगलेक्ट करनी है। ओके और ये सिक्स क्वेश्चन अभी देखिए कैसे है। अभी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम हॉल में दिखेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको एस टाइप के क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड दिखेंगे। बेसिक अगर वैसे पूछ लिया तो पूछ सकते हैं, लेकिन डी एफ सी सेल के लिए कम चांस है बहुत ही। इन अ विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, ठीक है। मतलब लिटरेट मतलब क्या, साक्षर, ठीक है, मतलब जो सीखे हुए है। तो साक्षर लोग कितने हैं, 30%। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, विलेज का जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल लोक संख्या कितनी है, 6600 एंड 600, देन द नंबर ऑफ इलिटरेट, ओके, मतलब जो साक्षर नहीं है वो अपन नहीं करने वाला। अभी देखिए इधर कैसे करते हैं, बहुत सारे वेज दिखाऊंगा अभी मैं इधर इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज का जो बेसिक है, हमने देखा कि परसेंटेज मतलब क्या है, जो 100% है हम मानते हैं टोटल को, ठीक है। तो एक विलेज है उधर मुझे टोटल पॉपुलेशन दिया है 6600, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखिए 100%, ओके, यही था मेरा 6600, और मुझे 30% पॉपुलेशन निकालना है जो कि है लिटरेट, ठीक है। तो अगर मैं 30% पॉपुलेशन निकालूँ, अभी वेज देखो कितने वेज से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बोला कि न्यूमेरिकल एबिलिटी करने के लिए बहुत सारे वेज है, जस्ट आपको वैसे सोचना है, ओके। तो ये फर्स्ट वे आपका होगा। तो 30% का वैल्यू कितना है, ओके। अभी देखिए इधर कैसे होता है, ये जो परसेंटेज परसेंटेज है ना, ये हमेशा कैंसिल होगा, तो ये आपको फिकर नहीं करना है। जस्ट इधर 100 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि जिससे मुझे 60 मिले, ओके। एक तो मल्टीप्लिकेशन आपका ऐसे भी हो सकता है, अभी इधर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इधर मुझे दिख रहा है क्योंकि ये 00 है और 00 है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 66 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू मिलती है। तो सिमिलरली मुझे इधर भी 66 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा वैल्यू जो होने वाला है वो है 1980, ठीक है। मतलब जो लिटरेट है, साक्षर है, वो कितने लोग है, 1980 लोग है, ओके, जो साक्षर है। तो मतलब इलिटरेट कितने हुए, मतलब जो साक्षर नहीं है वो कितने हुए, तो ऑब्वियसली आप इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद आपका आता है, देखिए 0080 है, तो मतलब इधर से मैं इधर इसको 65 बना देता हूँ, और 100 में से मैं 80 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरा 20 बचा, और 65 में से 19 गया, तो ये मेरा लगभग 46 बचा, ठीक है। तो 4620 मेरा आंसर है, ओके। अभी देखिए इसको ही मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, मुझे पता था कि 30% जो है वो क्या है, लिटरेट है, मतलब साक्षर है, ठीक है। 30% जो है लिटरेट है, तो डायरेक्टली वो स्टेप करने के बजाय, सब्ट्रैक्शन करने के बजाय, मैं डायरेक्टली 70% निकालता हूँ जो मुझे एक्चुअली चाहिए, क्योंकि मुझे क्या बताया है उन्होंने, देन द नंबर ऑफ इलिटरेट, मतलब जो साक्षर नहीं है। तो साक्षर अगर 30% है, तो साक्षर जो नहीं है वो 70% होने वाले, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि 100% ही होता है, 100% अपना होता है। तो 100% में से ये 30 है, तो ये 70 होगा, क्योंकि 70 + 30 = 100 होता है। तो जस्ट 70 में से मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँगा, आपको सेम आंसर मिलने वाला है, सेम आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दूसरा वे। थर्ड वे देखिए, इसमें क्या पूछा है कि इन अ विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट है, ठीक है। तो मतलब 6600 का मैं अगर मैं 30% निकालता हूँ 30/100, तो ये कितना होगा, देखिए सेम 19, ठीक है, कितना था वो 1980, ठीक है। और अभी 6600 में से अगर लिटरेट जो साक्षर है वो 1980 है, तो जो माइनस करूँगा वो अपने होंगे जो साक्षर नहीं है, ठीक है। और डायरेक्टली इस अगर ये मुझे नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6600 को मैं डायरेक्टली इसका 70% निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे वही चाहिए, ओके। क्योंकि 30% मुझे पता है इलिटरेट है, तो बचे हुए 70% मेरे क्या हुए, इलिटरेट हुए, तो ये मेरा हो गया, ओके। और इस तरीके से आंसर फिर से 4620 ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो बहुत सारे वेज हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या अच्छा लगता है, वैसे कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने रेशियो नहीं पढ़ा है, नहीं तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करके भी आराम से हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी, ओके। तो
तो ये था आपका परसेंटेज का जस्ट बेसिक देखा हमने अभी। मंडे को इस पूरा परसेंटेज ट्राई करेंगे, फिनिश हो ओके अच्छी तरीके से प्रॉपरली। तो मंडे का क्लास शायद से लंबा हो सकता है क्योंकि परसेंटेज के जितने भी टाइप्स है जो स्पेसिफिक टू डीएफसी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं मंडे को, अभी उससे पहले 2 बजे मिलना है आपको किस क्लास के लिए, जीके का क्लास है। तो आज से अपना पूरा जो रूटीन है वो फिर से रिज्यूम करते हैं, और 2 बजे जीके का क्लास एंड फिर 6 बजे आपका जो होता है वो इकोनॉमिक्स का क्लास, ठीक है। थोड़ा ये हो सकता है प्लस 30 मिनट भी हो सकता है, तो आपको वैसे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करो कंपलसरी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो PDF है आज के वो सॉल्व करो तब तक, ठीक है। ऑल द बेस्ट।